आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन a धन एक बटे में cos a धन साइन a माइनस एक बराबर होता है cos a के धन cot a के। तो चलिए हम क्या करेंगे इसमें, हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे बाएं पक्ष लेकर चलते हैं। LHS क्या दिया है, cos a माइनस साइन a धन एक बट्टे में है cos a धन साइन a माइनस एक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें लाना क्या है, cos a और cot इस टाइप से लाना है। तो पहले तो ये सोचिए कि हम इसे cos a के cot में कैसे बदलें। तो हम क्या कर लेते हैं, अंश और हर में साइन ए का गुणा भाग कर लेते हैं। साइन ए का भाग अंश व हर में करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए का भाग देंगे कॉस ए में तो सबके बटे में मैंने साइन ए लिख दिया। अब आप जानते हैं कॉस ए बटे साइन ए ये होता है हमारा कॉट ए, है ना, कॉट ए ये तो कट जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा। और ये एक बटे साइन क्या होता है, ये होता है कोसेक ए बटे में, यहाँ भी वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा एक, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ, कॉट ए माइनस एक है ना, इसको अलग लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस एक इसको अलग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, है ना, माइनस एक, और यहाँ लिख लेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक, ठीक है। अब देखिए एक सर्वसम का आपको याद होनी चाहिए, ये होता है एक धन कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, एक बराबर इसको इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर और आगे देखें इसको तो आपको सरसम का a का वर्ग माइनस b का वर्ग पता है क्या होता है, a माइनस b a प्लस b, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा गुणा में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एक है ना, हम इसे इसी से प्रतिस्थापित करने वाले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट a धन कोसेक ए माइनस क्या क्या लिख देंगे, इसी को लिख देंगे, अब ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए गुणा में कोसेक ए धन कॉट ए, और बटे में लिख देते हैं जो लिखा है पहले से, नीचे चेंज करेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। अब देखिए ऊपर वाले भाग में ये कॉट ए धन कोसेक ए है ना, कॉट ए धन कोसेक ए कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो क्या बचेगा, कॉट ए धन कोसेक ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो बचेगा केवल एक, है ना, और यहाँ कॉमन निकल गया तो बचेगा ये वाला हिस्सा, मतलब माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ये बचेगा। और नीचे में क्या है अपने पास, नीचे में है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए है ना, ये जो लिखा है, और यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, देखिए एक है ना, एक माइनस ये माइनस कोसेक ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे का हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा एक जैसा है, पहले मैं इसे लिख लेता हूँ एक है ना, फिर माइनस कोसेक ए फिर कॉट ए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो पूरी तरह से कट गए। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा कोसेक ए धन कॉट ए, और यही हमें लाना था, देखिए आरएचएस में। तो हमारा क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये सिद्ध हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आपको ये सर्वसम का आनी चाहिए ये वाली, है ना। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।